दिस इज दीपाली पांडे, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर लैक्टिसिटी और पेज नंबर 218 पर जो एक्सरसाइजेस हैं आज हम उन्हें करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें लिखा है व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। मतलब एक हीटर जो होता है, हीटर में जो कॉइल होती है, कॉइल एक कॉर्ड के ऊपर रैप की हुई होती है, तो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि कॉर्ड क्यों नहीं ग्लो करती, हीटिंग एलिमेंट ग्लो क्यों करता है। तो उसका आंसर सिंपल सा ये है कि द हीटिंग एलिमेंट, जो हीटिंग एलिमेंट होता है इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो भी हम हीटिंग एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, उसकी जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया था हीटिंग एलिमेंट इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टिविटी, तो जिसके कारण क्या होता है, ड्यू टू विच सोर्स एनर्जी, जितना भी हम इसको सोर्स एनर्जी दे रहे हैं ना, ड्यू टू बी सोर्स एनर्जी प्रोवाइडेड टू इट रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो जितना भी हम इसको सोर्स एनर्जी दे रहे हैं, मैं लाइट से कनेक्ट किया है, अब जितना भी एनर्जी हम इसको दे रहे हैं वो सारी की सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगी, रिलीज होने लगेगी। ठीक है, और इसका टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर राइजेस, और इसका टेम्परेचर राइज करेगा एंड इट ग्लोज। ठीक है, तो कारण कोई नहीं है, कारण सिर्फ यही है कि जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी हाई है। नंबर टू क्वेश्चन में ये पूछा है कि कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, यहाँ पर हमें हीट कैलकुलेट करनी है, तो हीट कैलकुलेट करनी है तो मैंने ऐश लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बच्चों यहाँ पर मुझे दे रखा है 96,000 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि क्यू दिया हुआ है, टाइम दिया है 1 आवर, तो क्यू मैं लिख देती हूँ यहाँ 96,000 कूलम, टाइम दे रखा है 1 आवर, 1 आवर को हम चेंज करेंगे सेकेंड में, सो 3600 सेकेंड होते हैं 1 आवर में। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 50 वोल्ट। नाउ एच के अगर मैं फॉर्मूलेज देखूँ तो एच के मुझे 3 फॉर्मूलेज मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताए हैं। आप हीट जनरेटेड वाला जितना भी टॉपिक है उसको अगर क्लियर करना है तो जो मैंने वीडियो बनाई है एक बार उस पर जाओ और एक बार उसको पढ़ो। तो 3 फॉर्मूले होते हैं हीट कैलकुलेट करने के, जिसमें से एक फॉर्मूला होता है VIT। ठीक है, VIT एक फॉर्मूला होता है बच्चों। तो यहाँ पर IT जो है, एक्चुअली वी नो I इक्वल टू होता है Q ओवर T। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो सकता है, IT। तो यहाँ पर जो IT है उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, Q। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया सीधे सीधे VQ। अच्छा, तो वोल्टेज जो है वो हमें कितनी दी हुई है, 50, और Q हमें कितना दे रखा है, 96,000। तो इसका आंसर क्या हो गया, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1, 2, 3 और 4 0 तो ये आ गए बच्चों, 5, 6 जा 30 और 3 हो गया कैरी, 5, 9 जा 45, 45 और 3 48। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको लिख सकते हैं 4.8 × 10⁶ जूल। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो ये है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। तो यहाँ पर मैं आंसर लिख देती हूँ, आंसर या सॉल्यूशन भी लिख सकते थे,
रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम, तो हमने रेजिस्टेंस लिख करके 20 ओम लिख दिया। करंट दिया है 5 एम्पियर, तो मैंने करंट को आई से शो करते हैं, आई मैंने 5 एम्पियर लिख दिया। टाइम दे रखा है यहाँ पर 30 सेकेंड, और हमें निकालने के लिए बोला है हीट निकालिए। तो हीट निकालने का फॉर्मूला है सीधे सीधे आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर मैंने दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया था, यहाँ मैं दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। ये फॉर्मूले मैं अलग अलग इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जैसे हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें जो फॉर्मूला सूटेबल लगता है हम उस फॉर्मूले को लगा देते हैं। तो आई स्क्वायर का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस हो गया 20 और टाइम हो गया 30। तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 20 इंटू 30, तीनों की मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 3 × 2 = 6 कर लो, 6 इंटू 25, यानी कि 25 का टेबल 6 में पढ़ो तो कितना आएगा 150, और 1 और 2 2 जीरोज और लगा दो, यानी कि 1.5 इंटू 10 to the power 1, 2, 3, 4, 10 to the power 4 जूल। ये हो गई हमारी हीट रिलीज, तो इतनी हीट रिलीज होगी इसमें। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पेज नंबर 220 पर जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सॉल्यूशन, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। मतलब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि भाई कितना करंट जो है कोई भी एनर्जी डिलीवर कर रही है, तो उसका रेट, तो रेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, रेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। ओके, तो यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं खाली खाली पावर। क्या डिटरमाइन करता है द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड, तो वो रेट जिसमें एनर्जी डिलीवर की जाती है उसको हम पावर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि 5 एम्पियर करंट ले रही है 220 वोल्ट लाइन से। डिटरमाइन करनी है मोटर की पावर और एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो भी क्लूज दिए हैं उसको नोट कर लो। तो करंट 5 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, और टाइम दे रखा है 2 आवर। यहाँ पर हमको सबसे पहले पावर निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, पावर का एक फॉर्मूला ये भी है बच्चों, तो पावर 220 एंड करंट 5, तो आंसर हो गया सीधे सीधे 1100 वॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि एनर्जी बताइए, एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है 2 घंटे में। तो पावर का फॉर्मूला एक एनर्जी ओवर टाइम भी होता है बच्चों, क्योंकि हमें एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम हो गया सीधे सीधे। अब पावर की वैल्यू मुझे पता है 1100 वॉट है, और टाइम कितना है 2 आवर है। अब टाइम आवर में दे रखा है और पावर वॉट में दे रखी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। या तो पावर जो है वो किलो वॉट पे होनी चाहिए, ठीक है, अगर टाइम आवर्स में है तो, या अगर पावर वॉट में है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए बच्चों। तो हम उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलो वॉट में होते हैं 1000 वॉट, तो 1 वॉट में हुए 1/1000 किलोवाट। ठीक है, तो यहाँ पर 1100 वॉट को मैं किलोवाट में अगर चेंज करूँगी तो 1100 को मुझे 1000 से करना पड़ेगा डिवाइड। तो यहाँ पर आंसर जो भी आएगा उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1100 ओवर 1000 हो गया। टाइम 2 आवर्स है, ये देखो 2 जीरो कैंसिल हो गए, 11 × 2 = 22/10, यानी कि 2.2 किलोवाट आर, ये हो गई हमारी एनर्जी कंज्यूम। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 2.2 किलोवाट, तो इस तरीके से ये आंसर आ गया। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। और अब हम आ गए हैं NCERT चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस में, हमने सारे इंटेक्स क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 equal parts, दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश देन द रेशियो ऑफ R अपॉन R डैश इज। क्वेश्चन को
पढ़ो और समझो क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई एक वायर था जिसकी कुछ भी लेंथ थी, अब उस वायर को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया है। तो देखो जैसे कि हम लोग जब टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि भाई रेजिस्टेंस इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अब कोई वायर जो भी रहा होगा उसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया तो ऑब्वियस सी बात है उसकी लेंथ कम हुई। लेंथ कम हुई तो रेजिस्टेंस भी क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा ना। ठीक है, तो एक काम किया है हमने, वो सारे जितने भी 5 पार्ट्स हैं वो सारे के 5 पार्ट्स को हमने कनेक्ट किया है किसमें, पैरेलल में। और बोला है कि भाई उनको जब पैरेलल में कनेक्ट किया तो उनका जो भी कॉम्बिनेशन है उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है आर डैश। तो आर और आर पॉइंट आर बाई आर डैश की वैल्यू क्या होगी, तो फॉर एग्जांपल हमने माना जब वायर पूरा था तो हमने मान लिया उसका रेजिस्टेंस था आर। अब हमने वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया यानी कि हमने लेंथ को डिक्रीज किया एल से एल अपॉन 5 तक, हमने लेंथ के 1/5 लेंथ कर दिया तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी 1/5 हो गया। ठीक है, अब हमने 5 पार्ट्स लिए, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, ये फोर्थ पार्ट है और ये 5th पार्ट है। हमने सारे पार्ट्स को कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में, ये आर बाय 5 है, ये आर बाय 5 है, दिस इज़ आर बाय 5, आर बाय 5 एंड आर बाय 5। अब ऐसा बोला गया है कि भाई इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है आर डैश। ठीक है, तो पैरेलल में हम कैसे कनेक्ट करते हैं, 1/r' इज इक्वल टू 1/r1। तो r1 यहाँ पर क्या है, r/5 है, प्लस 1/r2, r2 भी सेम है, प्लस 1/r3, r3 भी सेम है, प्लस 1/r4, r4 भी सेम है, प्लस 1/r5 जो कि सेम है, सारे रेजिस्टेंस सेम हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर सेम टर्म को हम जोड़ें, फॉर एग्जांपल एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, मैं 5 टाइम्स जोड़ूँ तो मुझे मिलेगा 5x। तो यहाँ पर मैंने 1, 2, 3, 4, 5 5 टाइम्स मैं सेम नंबर को ऐड कर रही हूँ तो यानी कि मुझे मिलना चाहिए 5/r/5। ये फ्रैक्शन जो है ये डिनोमिनेटर में है जो कि इन्वर्स हो जाएगा मल्टीप्लाई में आकर के ये, तो 1/r' इज इक्वल टू 25/r। मुझे यहाँ पर वैल्यू निकालनी है r/r' की, तो r को यहाँ ले आएंगे यानी कि r/r' हो गया 25। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following term does not represent electric power in a circuit? यहाँ पर 4 options दिए हुए हैं और पूछा है कि भाई कौन सा वाला part यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो भाई power के सारे formulae हैं और power को एक बार rough में देख लेते हैं करके। Power होता है V into I, तो अगर हम V के प्लेस पे IR रख दें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम V के प्लेस पे IR रख दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा IR into I, यानी कि बन जाएगा I²R। तो एक पावर का फॉर्मूला तो ये हो गया I²R। ओके, एक पावर का फॉर्मूला ये हो गया। अगर मैं I के प्लेस पे V/R रख दूँ, जैसे कि ट्राइंगल लॉ बताता है V, I और R, तो यहाँ पर I की वैल्यू होती है V/R। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ V into V/R, तो पावर का एक फॉर्मूला हो गया V²/R, एक फॉर्मूला ये हो गया। पावर का फॉर्मूला वर्क ओवर टाइम भी होता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी ऑप्शंस में है नहीं, तो तीनों देख लेते हैं। इसमें डस नॉट रिप्रेजेंट पूछा है यानी कि मैं इनकरेक्ट पूछा है, तो देखो VI दे रहा हुआ है क्या, ठीक है ये करेक्ट है, इट मीन्स I²R दिया है ये भी करेक्ट है, V²/R भी दिया है ये भी करेक्ट है, यानी कि इनकरेक्ट ऑप्शन है ये। An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be. तो पावर का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम देखें यहाँ पर हमें पावर निकालनी है, अगर हम क्या कर रहे हैं, हम वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हैं देन। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट और हमें पावर दी हुई है क्या 100 वॉट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
हमें यहाँ पर भाई वोल्टेज है हमारी 220 वोल्ट, हमारी पावर है वो क्या है 100 वॉट। सेकंड ऑप्शन में जो हमारी वोल्टेज है वो हो गई है 110 वोल्ट, यानी कि पावर जो होता है दैट इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो भी डिवाइस है उसका क्या रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर पी हो गया सीधे सीधे। नाउ वी मतलब 220 का स्क्वायर हो गया अपॉन पावर 100 हो गई, तो यहाँ पर 220 इंटू 220 अपॉन 100 हो गया, ये कैंसिल, तो यहाँ पर 484 ये ओम आ गई क्या पावर, सॉरी रेजिस्टेंस। अब हमें निकालना है कितनी पावर कंज्यूम होगी अगर हम वोल्टेज को 110 कर दें। तो पावर का फॉर्मूला है वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज है 110 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस हम यूज़ कर रहे हैं 484, इसका मतलब है 110 को हमें 2 टाइम्स लिखना है एंड 484। यहाँ पर अगर हम इसको कट करना चाहते हैं तो 11 4 जा 44, इसको दोबारा से कट करें तो 11 4 जा 44, 100 अपॉन 4 करेंगे तो बच्चों मिलेगा 25 वॉट। तो पावर अब जो कंज्यूम होगी वो हो जाएगी 25 वॉट। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये दोनों क्वेश्चंस किए हैं।